इलेक्शंस आ गई हैं दोस्तों, और अब सबको इलेक्शन जीतना है। चौकीदार अपने कर गए कामों को दिखाकर इलेक्शन जीतेगा, वही राहुल गांधी को लुभावने वादे करके इलेक्शन जीतना है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 5 करोड़ फैमिलीज को प्रति वर्ष 72,000 रुपए देंगे, क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। 5 लोगों की 5 करोड़ फैमिलीज को सालाना 72,000 रुपए देने का मतलब हुआ लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए। इतने पैसे वो कहां से लाएंगे ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। इंडिया का डिफेंस बजट 3,01,000 करोड़ है, एजुकेशन बजट लगभग 94,000 करोड़ है। उन सबसे ज्यादा इस स्कीम की कीमत होगी। पैसा कहां से आएगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना है। कांग्रेस सरकार 2011 में कहती थी कि दिन के 17 रुपए कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है, 12 रुपए में खाना खाने वाला आदमी गरीब नहीं है, लेकिन अब कह रही है कि 8,000 रुपए कमाने वाला आदमी गरीब है, क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना है। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि वो GST कम करेंगे, इनकम टैक्स हटा देंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे, वही दूसरी तरफ 3,60,000 करोड़ रुपए खैरात में बांटने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। कांग्रेस के मंत्री 2013 में कह रहे थे कि उनके पास रफाइल खरीदने के लिए 58,000 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन अब अचानक से उनके पास 3,60,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन अब लगता है पेड़ नहीं पूरा का पूरा बगीचा ही उग गया है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना है। राहुल गांधी मेड इन मंदसौर सेलफोन, मेड इन डूंगरपुर बर्तन, और न जाने क्या क्या वायदा करते फिरते थे। आपको आज तक एक भी फैक्ट्री देखी क्या? नहीं। लेकिन अब वो इस सबसे बढ़कर भी एक वायदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। दोस्तों, वेनेजुएला नाम के एक देश है जिन्होंने भी ऐसे ही काम किया था, फ्रीबीज बांटने स्टार्ट कर दिए थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उनकी इकोनॉमी ब्रेक हो गई। लेकिन राहुल गांधी आपको ये सारी बातें नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। और बहुत ताज्जुब की बात है, एक भी पत्रकार ने राहुल गांधी से इस बचकाने कभी ना पूरे होने वाले वादे के लॉजिक पे एक सवाल तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना है। अगर ये अलीबाबा वाली स्कीम आ भी गई तो पैसा आपकी जेब से ही जाएगा, आपके टैक्स से जाएगा। जो पेट्रोल अभी 80 रुपए का मिल रहा है वो 800 का मिलेगा, जो सिलेंडर अभी 800 का मिल रहा है वो 8,000 का हो जाएगा, लेकिन पैसा आपके जेब से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना है। अगर ऐसा सच में हुआ दोस्तों, तो आपके टैक्स पे करने के बावजूद भी आपके कॉलेजेस, स्कूल्स, फ्लाईओवर्स, यहां तक कि सेना को देने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो इस स्कीम में जाएगा, लेकिन हम सह लेंगे थोड़ा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना है। राहुल गांधी एक तरीके से इस देश की इकोनॉमी और अपने किए गए इस वादे को बचा सकते हैं। अगर वो अपना फ्लैगशिप आइडिया आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री कहीं पे लगा दे तो, क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। अगर आपको भी विश्वास है कि राहुल गांधी आलू से सोना बना सकते हैं तो आप उन्हें ही वोट दें, वरना इस वीडियो को लाइक, रीट्वीट और शेयर करें, क्योंकि हमें केवल इलेक्शन नहीं, देश जीतना है।